28 तारीख को मेरी बहन शाम में 6 बजे निकली है, उसके बाद फिर कभी नहीं आई। पुलिस का ये कहना है कि 31 को वो वापस आती है, ये बिल्कुल गलत है। वो कभी नहीं आई है, वो तो मेरे साथ टॉर्चर किया गया था। अच्छा, आपको डराया धमकाया गया था? यस, डराया धमकाया गया था कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। डराया धमकाया, इसको मार रहा। पुलिस का कहना था कि वो आई थी, लेकिन वो नहीं आई थी। हमको बेटी जब से गई 28 तारीख के 6 बजे सांझ से कभी नहीं आई है। हमको बच्ची झूठ बोले, हमको डर, अभी सबके डरा के धमका के मार पीट के बुलवाया है, जबरदस्ती का छुआया। करंट लगाने के लिए मशीन जब लाने गया तो हमको डर लगा कि पागल हो जाए। अब इसको भी कह रहा है, बोलो बेटी बोलो, मैंने दीदी आई है कि नहीं, और जोरले कर रहा है नहीं हमको बेटी आई है लौट के, बाकी सुनबे के तैयारे नहीं है, उसको विश्वास ही न लग रहा है। जो कि हमको बेटी नहीं आई है, जे गई है से। आपके पति कहाँ है इस वक्त? कहना रहा है जेल में। अच्छा, उनको हिरासत में लेकर रखा है? हाँ, जेल में रख ले। झूठे, मैं उसको फंसा दिया है। पुलिस कहता है कि आपके पापा और उसका दोस्त मिलकर मारा, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किया। अट्ठाईस दिसंबर को अंजना घर से कुछ सामान खरीदने के लिए निकली थी, उसके बाद घर पर नहीं आई। परिजन अपने स्तर से 28, 29, 30 को दिन भर देखी, दिन में 30 तारीख को गुमशुदा होने का FIR करने के लिए थाना में उसके पिता ने आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने 4 जनवरी को उसका FIR किया, बोला कार्रवाई कर रहे हैं। 6 जनवरी को अचानक टुकड़े टुकड़े में विभक्त विक्षिप्त अवस्था में उसकी बेटी की लाश मिली। हम लोगों ने उस पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया तो आनन फानन में पुलिस क्या की, अपराधियों के बारे में, संदिग्ध अपराधियों के बारे में भी हम लोगों ने कुछ सूचना दी, लेकिन हम लोगों का सूचना को नकारते हुए उल्टा लड़की के पिता माता बड़ी बहन और छोटी बहन को ले जाकर थाना में, यहाँ के बजरीगंज के जो DSP है, इलेक्ट्रिक शॉट एवं लाठी डंडे से लात घूते मुक्के से इतनी पिटाई की है कि जबरन तुम जुर्म कबूल करो और नहीं तो हम जान मार देंगे, जेल में सड़ा देंगे। मैंने तरह तरह की यातनाएं कर प्रताड़ित कर जबरदस्ती उसको जुर्म कबूल करवाया गया। वहां जो है पिता को और पिता के दोस्त लीला बटवा को बेकसूर होने के बावजूद जेल भेज दिया गया,
जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया, लीला पटवा का हाथ काला हो गया है, उसके पिता जो है अपने पैर पर चल फिर नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब 154 का अभियान जो लड़की को दिलवाया गया, आज भी बच्ची कर रही है कि हमको जीप में जाते समय भी कहा गया था कि मैं जैसे सिखा दिया हूँ, बच्चे को जैसे स्कूल में सिखाया जाता है वैसे ही लोगों को पाठ पढ़ाया गया मार मार के, और कहा गया कि मैं जैसे बता दिया हूँ सिखा दिया हूँ उसी तरह से बयान देना है, और नहीं तो सोच लेना तुम जो बोले दे तुम्हारे पिता को मार देंगे फेंक देंगे ये करेंगे करेंगे हम की तरह तरह के तो भय भी तो कर गया। घटना जो है गंभीर मामला ये सामने आया है, बच्ची के साथ जिस प्रकार से गलत काम करके उसको मार दिया गया है, हम लोगों ने अपने पार्टी के तरफ से गया के लिए विशेष तौर पे ये जो घटना हुई है हमने अपने पार्टी के तरफ से कमेटी बैठाई है, पार्टी की कमेटी वहाँ जाएगी और देखेगी। उनके परिवार का ये मामला है कि जबरन जो है पुलिस जो है उनके परिवार वाले को ही पकड़ करके प्रताड़ित करने का काम किया गया है। अब जब कमेटी एक बार पार्टी की जाएगी वो देख करके आएगी, सब लोगों से बात करेगी और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम अपना क्या एक्शन होगा। लेकिन एक बात सही है कि नीतीश कुमार जी के बस में अब कुछ रह नहीं गया। लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में बिहार की इतनी बदनामी हो रही है और ख़ास तौर पे होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी के पास है और बिहार में बर्फ भी नहीं गिर रहा और वो मुँह उनका जमा हुआ है। हमको बिहार मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो ये किया है उसको ढूंढा जाए और मेरी बहन को न्याय दिया जाए, जो किया है ऐसा काम उसको सजा कड़ी से कड़ी मिल जाए।